अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूं अंशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो हम ये कल सारी ग्रॉसरी लेके आए थे, अब इसको लगा देते हैं अपनी जगह पर। फिर उसके बाद ना सारे काम से फ्री होकर लंच बनाकर मैं आ गई हूँ, और मुझे अपना अल्ट्रासाउंड कराना था। तो चलिए अब चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। पता है किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए या कहीं भी चले जाए, बहुत वेट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये वेट करना। तो चलिए बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा था सब। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हमारा नंबर आएगा जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे और फटाफट घर जाना है, क्योंकि आज फ्राइडे है और जाकर नमाज भी पढ़नी है। तिलावत तो मैं करके ही आई थी, सूरह कहफ पढ़ते हैं फ्राइडे में, तो वो सब तो मैं पढ़ कर ही आई थी, लेकिन अभी नमाज। तो अल्ट्रासाउंड हो चुका है और अब निकलते हैं घर के लिए। और आज ना बाहर जाने से भी डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हम लोग आए थे अंदर। तो यहाँ पर तो बहुत सुकून था, लेकिन बाहर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो ये रुक गए हैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, और ये ले रहे हैं खरबूजे, और इनको खरबूजे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने भी बोला कि चलो गन्ने का जूस भी पीते हैं, तो फिर हमने पिया गन्ने का जूस। और ये किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। पता है जब मैं छोटी थी तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ इसके कलर की वजह से। तो मैं बोलती थी अच्छा नहीं होता होगा, मैं नहीं पीऊँगी। फिर घर पर आकर पढ़ी नमाज, और फिर दिन में मैं सो गई थी। और अब देखिए शाम में चल रही है डिनर की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आज भरवा शिमला मिर्च, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसकी फुल रेसिपी मेरे इंस्टा पेज पर मैंने अपलोड कर ली है, ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ना, स्टफिंग करने के बाद हल्का हल्का सा इसको सेक लेते हैं तवे पर, फिर ग्रेवी में रख देते हैं और थोड़ा सा गला लेंगे। जिस टाइम सेकेंगे ना तभी गल जाती है ये, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। किसी गेस्ट के सामने भी आप सर्व कर सकते हैं। और इसकी स्टफिंग ना बहुत तरह से होती है, हम इसमें कीमा भी स्टफ़ कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैं खाऊँगी खाना। तो मैंने थोड़े से राइस लिए, एक चपाती ली है, और ये शिमला मिर्च लूँगी। इसकी ग्रेवी जो होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है, और जो इसमें स्टफिंग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अगर आपने ये बनाई ना तो घर पर सबको बहुत अच्छी लगने वाली है, और सब लोग बार बार बोलेंगे कि आज फिर बना लो भरवा शिमला मिर्च। तो ज़रूर बना के खिलाइएगा घर पर सबको, वरना नॉर्मली बच्चे ना बचते हैं शिमला मिर्च खाने से। हुसैन चुपके चुपके क्या लेके जा रहे हो, दिखाओ आपके हैंड में क्या है, जल्दी से दिखाओ। ऐसे पकड़ते हैं लैपटॉप, कितनी गंदी बात है, मुझे तो टूट जाएगा। जल्दी दो मम्मा को। हुसैन नो, अच्छा वेट वेट, मैं आ रही हूँ। The next day. तो देखिए आज है सैटरडे और बच्चे सो रहे हैं लेट, 9 बज रहे हैं। मैंने सोचा आज इन्हें सोने देते हैं क्योंकि आज तो छुट्टी है। हुसैन उठोगे बेटे, हुसैन हुसैन नहीं उठना है। चलिए थोड़ी देर और सोने देती हूँ इन लोगों को। चलिए हम चलते हैं बाहर, और आजकल ना बहुत गर्मी होने लगी है, तो दिन में तो बिल्कुल बाहर आने का दिल ही नहीं होता है। सुबह में भी इतनी ठंड नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो देखिए ये पाइप है जो हमारे कूलर में लगा रहता, क्योंकि लॉबी में ना इसके बिना तो बैठ ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। चलिए तो अब बनाते हैं नाश्ता। उमरा तो आज स्कूल गई है, और सिद्रा और हुसैन दोनों सो रहे हैं, आप दिख चुके हो। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ फटाफट से नाश्ता, क्योंकि ये बोल के गए हैं कि जब तक मैं नीचे से आ रहा हूँ तो नाश्ता बना लेना। तो मैं बना रही हूँ लच्छे के पराठे, और किस किस को अच्छे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ वो बताया करिए, कमेंट तो कर दिया करिए। तो देखिए इस तरह से ना हम इसको पहले इस पे घी लगा लेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे, और बहुत ईजी है और बहुत अच्छे बनते हैं। एक एक लच्छा ना एकदम क्लियर होता है। इसकी फुल रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए तो अब जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं,
और फिर मैं इनको बुला लूँगी। कहाँ चले गए थे आप? मैंने तो इतनी देर पहले बना दिए पराठे। अरे भैया घर में लॉन में सांप निकला है। सांप? हाँ, फिर उसे भगाया। अच्छा, फिर अब चलिए तो आपके पराठे ठंडे हो गए हैं। ये मैंने लच्छे वाले पराठे बनाए हैं, कल शिमला मिर्च बनाई थी भरवा, इसके साथ खाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, तो लॉन में तो आमतौर से निकलते ही रहते हैं, हम उसे भगा देते हैं। कुछ दवाई भी तो बताते हैं कि पूरे लॉन में उसका स्प्रे कर दो या कुछ करवा देते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए फिर नहीं आते हैं, फिर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो लॉन तो बाहर का एरिया तो मैं पता ही है सारा कैसा। अच्छा चलिए तो नाश्ता कर लीजिए। और क्या बनाऊँ, चाय लस्सी? क्या चाय? चाय चाय ठीक है। किस चीज़ के साथ खाएंगे? दही भी दूँ क्या? नहीं दही नहीं, गला खराब है। अच्छा, और पता है आज छुट्टी है तो बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं। उठा भाई ने। मैं कई बार उठा चुकी हूँ, सहन भी नहीं कर। चलिए आप नाश्ता करिए, मैं उठा के आ रही हूँ। चलो तो ये चाय भी बनकर तैयार हो गई है। उठ गए दोनों? हो गई आपकी सुबह? सिद्रा उठना नहीं आज, 10 बज रहे हैं 10। सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, उड़ा स्कूल से आने भी वाली है। अब बताओ क्या बनाऊं जल्दी से, पहले फ्रेश हो क्या? अकेला उठना था। और रात चिप्स खा के उसके पैकेट्स वहां पर किसने डाले हैं? डस्टबिन में थ्रो किया करो। चलो उठो दोनों, अब मैं दूंगी नहीं कुछ खाने के लिए आज के बाद ऐसा कुछ। बताओ जल्दी, चाय पीनी है क्या? चाय। हुसैन आप क्या खाओगे? चिप्स। तो चलो वॉशरूम लेके चलती हूँ, टीथ ब्रश कराती हूँ जल्दी, आओ फटाफट जल्दी से आओ, टीथ ब्रश कराती हूँ। तो अब बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है, मुझे जल्दी से बनाना है लंच। तो अब मैं बनाऊंगी दाल राइस, क्योंकि ये जल्दी से बन जाते हैं। तो दाल राइस बनाकर मुझे रखकर खाना जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि आज मेरा अपॉइंटमेंट था। सारी रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, आप दुआ करिएगा कि डॉक्टर सब कुछ ठीक बताएं। तो देखिए दाल भी तैयार हो गई है, तड़का भी लगा दिया है इसमें, और राइस भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। उमरा को तो हम स्कूल से लेंगे और सिद्रा को घर पर ही छोड़ कर जाएंगे, हुसैन भी हमारे साथ जाने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं। तो मैं ना लेट हो गई हूँ, अब जल्दी से फटाफट चलते हैं, वरना नीचे जाने के बाद डांट पड़ने वाली है कि बहुत लेट कर। रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास, और ये हमें चेंज करना है ड्रेसेस से। ये हमें नहीं लेना था लेकिन हुसैन ने रख लिया था, तो अभी चेंज करना है। घर पर आकर पता चला कि हुसैन ये भी लेके आए हैं शॉर्ट, और उसका क्या करना है उसको खुद नहीं पता है। तो हमने उमरा को स्कूल से ले लिया है। हुसैन आप कुछ नहीं बोलोगे? तो सबसे पहले आए हैं हम हुसैन के डॉक्टर के पास, क्योंकि ना हमें हुसैन का वैक्सीनेशन कराना है। और हुसैन ना बहुत ज़्यादा खुश है, इसको पता ही नहीं है कि इसका वो इंजेक्शन लगने वाला है अभी। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब क्या करें, मतलब आने वाला वक्त या सारे बच्चों को उसमें नहीं डालेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम लोगों ने आवाज़ तो कान बंद हो गया भैया, क्या किया तुमने? तो हुसैन ना वैक्सीनेशन के बाद बहुत ज़्यादा रोया है, बड़ी मुश्किल से चुप हुआ है। तो मैं इसको पार्क लेके आई हूँ, अब शायद थोड़ी देर में इसका मूड ठीक हो जाएगा, फिर मुझे भी अपने डॉक्टर के पास जाना है। हुसैन घर चले? नहीं, देखिए आज ना हम हुसैन का वैक्सीनेशन कराने के लिए आए थे, और मेरी भी सारी रिपोर्ट्स मिल गई हैं, तो वो भी डॉक्टर से हमारा था अपॉइंटमेंट, वहाँ पर आए थे।
तो डॉक्टर के क्लिनिक के एकदम जस्ट सामने जो है एक पार्क है, तो हुसैन को वहाँ पर आना था। सब बच्चों का ये रहता है, तो उसने बहुत देर से रोना मचा रखा है कि मम्मा पार्क जाना है, पार्क जाना है। तो मैं इसको लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम खामोशी सुकून है बहुत ज़्यादा। आज हम सुधरा को नहीं लाए हुए, तो ये सब देखेगी बहुत। हुसैन मेरी डॉक्टर के पास भी तो जाना है, चलो मैं जा रही हूँ फिर। हेलो गाइस, मुझे हमेशा इन वाली स्लाइड से बहुत डर लगा है, अब मैं ऊपर चढ़ गई हूं। और मेरा दिल चाह रहा है स्लाइड करने का, लेकिन मुझे बहुत डर लगा है, मुझे तो बहुत मजा आता है। चलिए तो अब इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं, और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताया करिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और डॉक्टर ने हमें क्या क्या बताया वो सब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।